शायद आप भी 5 दिसंबर 2023 का दिन भूले नहीं होंगे, जिस दिन राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडे की हत्या कर दी गई थी उनके ही घर में घुसकर। इस वारदात से राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। गोगामेडे की पत्नी ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी। शायद याद होगा आपको कि गोगामेडे की हत्या के बाद राजस्थान की सड़कों पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और पास में ही आपको एक ज्वाइन बटन भी दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं। चलिए अब खबर पर वापस लौटते हैं। तो आज इतने महीनों बाद गोगामेडे केस इसलिए फिर चर्चा में आया क्योंकि जिस पर गोगामेडे की हत्या करने का आरोप लगा था वो जेल में है और बीते करीब 6 दिनों से भूख हड़ताल कर रहा है। जी, अब मन में उठ रहा होगा कि आखिर शार्प शूटर जिसने गोगामेडे की जान ले ली वो जेल में भूख हड़ताल क्यों कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताते हैं। शार्प शूटर रोहित राठौड़ लगभग 6 दिन से भूख हड़ताल पर होने के चलते जिला RBM अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान इसका शुगर लेवल कम आया, लेकिन आरोपी रोहित राठौड़ ने अस्पताल में भी इलाज और खाने पीने से मना कर दिया। अब जेल पुलिस अधीक्षक ने उसे समझाया तो 15 अगस्त के दिन से उसने इलाज कराना शुरू कर दिया। इसकी सुरक्षा के लिए वार्ड में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। भरतपुर स्थित सेवर सेंट्रल जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने जानकारी दी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गा पर राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडे की हत्या के आरोपी शूटर रोहित राठौड़ को 19 मई 2024 को अजमेर सेंट्रल जेल से भरतपुर सेवर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। अब वो भरतपुर की जेल में अपने आप को खतरा बताकर अन्य किसी जेल में शिफ्ट होने की मांग कर रहा है। इसी के चलते उसने 9 अगस्त 2024 से भूख हड़ताल कर दी। 13 अगस्त को उसे जिला RBM अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रोहित गुप्ता व डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें उसका रैंडम शुगर लेवल 70 के आसपास आया, जो कि कम है। दूसरे दिन 14 अगस्त को शुगर लेवल 62 के आसपास आया, जो कि उससे भी ज़्यादा कम था। उसकी हड़ताल को देखते हुए उसे RBM अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन वो वहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं लेने के साथ कुछ खा पी भी नहीं रहा था। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी भिजवा दी गई है, लेकिन सेवर जेल सुप्रिटेंडेंट की समझाइश के बाद RBM अस्पताल में रोहित ने इलाज लेना शुरू कर दिया है। सेवर जेल सुप्रिटेंडेंट परमजीत सिंह ने बताया कि वो RBM अस्पताल गए थे, जहां उन्होंने रोहित राठौड़ को समझाया, जिसके बाद उसने इलाज लेना शुरू कर दिया। 15 अगस्त की दोपहर से उसका इलाज जारी है। इस पूरी खबर को लेकर, रोहित राठौड़ की भूख हड़ताल को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।